इंडिया की बात करते हैं तो आप देखें कि इंडिया में, इंडिया तो मतलब रहने दे ही नहीं रहा ना किसी टीम को. जहां पर मैं एक बात बोलती हूँ कि इंडियन टीम में जब तक जसप्रीत बुमराह है मैच जाता नहीं है इंडिया के. और ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप गियर्ड है टुवर्ड्स इंडिया और ये बड़ा अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ. तो ये कभी पिच पे डाल देंगे, कभी मौसम पे डाल देंगे, कभी स्केड्यूल पे डाल देंगे, कभी ये कह देंगे कि यार इंडिया फाइनल कैसे खेल जाएगा अगर मैच ना हुआ. तो ये अपने हिसाब किताब की बातें कर रहे होते हैं. पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, इंग्लैंड को बता दिया भाई कि बजाओ, घर जाओ अपने. इंग्लैंड का कप्तान, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान मॉर्गन कमेंट्री में बैठ गए बात कर रहा है कि इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग किया इस पीछे ऊपर सल्यूट है इंडिया ने इंडिया को. कुदरत का निजाम भी क्या चीज है, इस दफा इंडिया ने कसम खाई है कि वर्ल्ड कप भी जीतना है और हिसाब बड़ा. बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे. लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से जीत सकता है. बॉलिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बहुत बड़ा मार्का है. आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग. हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के कल वाले मैच के बारे में. तो इंडिया ने इंग्लैंड को जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी और फाइनल में अपना जगह पक्का कर लिया है. इस जीत में गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों का अहम योगदान रहा, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए थोड़ी मुश्किल पिच थी लेकिन फिर भी सारे बल्लेबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. इंडिया को फाइनल में देख पाकिस्तानी बौखला गए हैं और तरह तरह का रिएक्शन दे रहे हैं. तो चलिए उनका रिएक्शन देखते हैं. और ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप गियर्ड है टुवर्ड्स इंडिया और ये बड़ा अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ. तो ये कभी पिच पे डाल देंगे, कभी मौसम पे डाल देंगे, कभी स्केड्यूल पे डाल देंगे, कभी ये कह देंगे कि यार इंडिया फाइनल कैसे खेल जाएगा अगर मैच ना हुआ. तो ये अपने हिसाब किताब की बातें कर रहे होते हैं. हाँ, इनमें से किसी की अगर चीज पूरी हो जाए तो वो देखे कस्बे खा रहा होता है, देखा मैंने कहा था कि ये हो जाएगा, देखा मैंने कहा था ये हो जाएगा. तो ये तो ड्रामेबाजी है यार, ये तो अपने खर्चे चलाने के लिए बैठे हैं. इनका इनसे पेमेंट बॉडी है, उसका काम है ये काम. मेरे भाई कह तो सही रहना, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आईसीसी को इंडिया ने किडनैप किया हुआ है और वो तो पहले दिन से ये बात तय है कि इस पूरे शेड्यूल में सारा बेनिफिट इंडिया को दिया गया. अरे तो भाई भाई मैं ये कह रहा हूँ, बाकी लोग इतने फटू क्यों हैं, इतने डरपोक क्यों हैं, वो गोद में ले लें, वो किडनैप कर लें. भाई किसी ने रोका आईसीसी ने? आईसीसी ने मना किया भाई. बाकी लोगों को ऐसा करने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी ना. अब 1.5 अरब की आबादी कहां से लेकर आए? हम तो 24 करोड़ की आबादी नहीं संभाल सकते, तो क्या आबादी बढ़ाएंगे इस काम के लिए? तो फिर अपनी नाकामियों में कहीं मुंह छुपा के आबादी नाकामी नहीं है यार, ये आबादी नाकामी नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये हक तलफी है दूसरों की, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है. जो लोग जीत कर आ रहे हैं उनके ऊपर कथन क्यों लगाए आदमी? जीतने हारने की बात नहीं है, एक शेड्यूल है, उसमें है ऐसी चीजें जो है दूसरों के साथ हकतलफी हो रही है. अगर उसकी निशानदेही हो रही है तो इसलाह के लिए हो रही है ना कि आइंदा ना करें. जैसे अब ये कहा जा रहा है कि आईसीसी हमेशा इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रखकर उनके आपस में मैच करा कर क्यों उस तरह के कर रहा है? सारी दुनिया सो रही है, स्टेडियम खाली पड़े हुए, सेमीफाइनल में स्टेडियम खाली. ये बताया ना आईसीसी को क्या देगा यार? 45 दिन का ग्रेस पीरियड देता है आईसीसी स्केड्यूल पे रिकमेंडेशन देने का, सजेशन क्यों नहीं दी लोगों ने? अब जबकि जीजीस की टीम बाहर हो रही है, आईसीसी पूरा कर रहा है, आईसीसी बीसीसीआई के साथ. समोसे नहीं मिले, बिरयानी नहीं थी, दिल दिल पाकिस्तान नहीं था, ये ड्रामेबाजी है बहुत छिजोर पर. कुदरत का निजाम भी क्या चीज है, इस दफा इंडिया ने कसम खाई है कि वर्ल्ड कप भी जीतना है और हिसाब बड़ा करना है. अगेन वही टारगेट आ गया जो 2022 के अंदर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए किया था और टॉस करते इंग्लैंड जीता था. तारीफ करनी चाहिए किसकी? रोहित शर्मा की, जिसने स्टॉप विकेट के ऊपर शानदार किस्म की बल्लेबाजी की और इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट दिया. 57 उसने जिसको कहते ना स्कोर किया, 57 बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी रोहित शर्मा की स्टॉप कंडीशन के अंदर, मुश्किल विकेट के ऊपर जहां पे बॉल बैट रहा था, जहां पे जो बॉल है वो बाउंस ही नहीं कर रहा था, लो बाउंस हो रहा है, उस विकेट के ऊपर रोहित शर्मा ने 57 किया. कप्तानों कप्तान रोहित शर्मा, आप मानो या ना मानो लेकिन उसने ये साबित किया, स्टंप विकेट के ऊपर उसने साबित किया कि ये कंडीशन जितनी मर्जी मुश्किल हो जाए मैं रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ऑलवेज खड़ा रहूंगा. मैं कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं. 92 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 57 अगेंस्ट इंग्लैंड मस्ट विन गेम के अंदर जहां पे विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी आउट हो रहा है, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी आउट हो रहा है, दौरान के अंदर एक तरफ रोहित शर्मा दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव बड़ी शानदार किस्म की उसने क्रूशियल इनिंग्स खेले. जितनी रोहित की तारीफ बनती है उतनी सूर्य की भी बनती है. टीम इंडिया फाइनल का टिकट कटाएगी? देखिए दानिश, इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसकी अरबों रुपए प्राइज बनी है और 20 जो आईसीसी के फुल और एसोसिएट मेंबर है वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक टीम के लिए बिल्कुल आईसीसी ने अलग कानून बनाया हुआ है. वो सेमीफाइनल खेलेगी तो इंडिया में जब प्राइम टाइम होगा बारिश के लिए, जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ इसमें रिजर्व डे था, इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है. तो मतलब मजाक है कि भाई आप एक स्टैंडर्ड पिचेस बनाए ना, कहीं आप किसी टीम को फायदा पहुंचा रहे हैं, या तो आपसे पिचेस बन नहीं पा रही, फिर बारिशों का मौसम आपने इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया है. वेदर फोरकास्ट तो कई कई साल पहले आ जाती है, आपको देखना तो चाहिए था कि अमेरिका में भी ये बारिशों का सीजन है, वेस्ट इंडीज में भी ये बारिशों का सीजन है, लेकिन आपने टूर्नामेंट प्लान कर दिया. तो मेरे ख्याल में आईसीसी की जो सलाहियत है, वैसे तो वो दुनिया के बड़े बड़े टूर्नामेंट होस्ट करते हैं,
लेकिन यहाँ आईसीसी के लिए एक बहरहाल लम्बा फिक्रिया है कि उसकी पिचेस भी खराब है और इंडिया को आप अलग कैसे कर सकते हैं, या तो आप सारी टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, एक टीम के लिए अलग कानून है बाकी 19 के लिए अलग कानून है, ये तो फिर मजाक हो गया। इतने बड़े इवेंट का मजा कुछ किरकिरा होता हुआ नजर आ रहा है। इस अगर हम वर्ल्ड टी20 को देख ले तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल में थ्रू कर जाएगा, इंग्लैंड की टीम हाथ पे हाथ धरे घर वापस चली जाएगी। तो मतलब आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि सारी टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। लोगों ने मेरे ख्याल से माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आईसीसी को कहूंगा कि उन्हें चाहिए क्रिकेट फैन से माफी मांगे कि ये जो सेमीफाइनल की पिच बनाई है ये अचानक मैच नहीं हुआ है, कम से कम 2 साल पहले उनको पता होगा, साल पहले पता होगा कि यहाँ पे मैचेस होने, और उस क्रिएटर को फायर कर देना चाहिए और आईसीसी को खुद सॉरी करना चाहिए। पहली सॉरी देखिए दनीश, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया जो है वो एक कंप्लीट टीम है जिसके पास जबरदस्त बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में भी डेप्थ है, फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं। अब रोहित शर्मा भी रन कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर उनका रन कर रहा है और रन कोई मामूली रन नहीं कर रहे हैं, मैच विनिंग रन कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने मैच जिताया है, उसी तरह सूर्य कुमार यादव मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके बॉलर्स स्पॉट ऑन है। शायद इतनी अच्छी बॉलिंग किसी और टीम के बॉलर्स ने ना की हो जितनी इंडियन बॉलर्स हमें अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। और इधर आपकी चहेती पाकिस्तान होती तो वो 50 पे लुढ़क जाती, लेकिन आप ये देखिए कि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की बैटिंग किया है और कप्तान रोहित शर्मा, बंदे ने बताया कि पिच गई बाढ़ में, मैंने अपनी उसी अग्रेसिवनेस के साथ बैटिंग करनी है। इंग्लैंड का कप्तान, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान मॉर्गन कमेंट्री में बैठ के ये बात कर रहा है कि इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग किया इस पिच के ऊपर, सल्यूट है इंडिया ने, इंडिया को पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, इंग्लैंड को बता दिया भाई कि बजाओ घर जाओ अपने। सब जिस तरह की बैटिंग वो अक्षर पटेल और वो जडेजा करके गया, हमारे वो घंटे बैकिंग, वो बाबरा और वो रिजवाना भी इस तरह की बैटिंग नहीं करते, तो ये वही इंडिया की टीम है जब पाकिस्तान के 92% चांस है और इंडिया के 8% चांस है। जसप्रीत बुमराह यार मैच निकाल के ले गया था, यकीन होना चाहिए यार, वो बंदे दिल से खेलते हैं, उन बंदों को खेलना आता है और वो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है ना। बेटा स्लो पिचों के ऊपर ना गोरे नहीं खेल पाते, गोरे स्लो पिचों पे खेलने के आदि होते ही नहीं है, गोरे कभी आज तक स्लो पिचेस पे खेल ही नहीं सके, तो गोरे इस पिच पे आकर छनकना कर लेंगे। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।